हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, गुड मॉर्निंग है आज यहाँ अमित के घर से, और यहीं पे रुके थे हम रात दोनों, क्योंकि यहाँ पे भाई पूजा है नहीं थी और भात न उतने जा रहे हैं बाकी लोग, और यहाँ अमित है। तो यहाँ पे भाई खाना दाना बनाने के लिए और भाई देखभाल करने के लिए मुझे भी यहीं पर रहना पड़ा है, और बच्चे सब घर थे। तो सुबह सुबह का रूटीन शुरू, सबसे पहले झाड़ू, और इसने गर्म पानी पिलाया अभी तक। तो मैं पूछ रहा था, मगर अमित तो पूछ ले, चाय भी पीवे नहीं है सुबह सुबह, इसने भी गर्म पानी पिया है। इसका रूटीन भी ठीक हो जाएगा चार दिन में। क्लीनिंग का काम चल रहा है भाई, साफ सफाई, क्योंकि अस्त व्यस्त है। पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, तो सारा सामान इधर से उधर रखना पड़ता ही है। और गगन जो है अपनी ड्यूटी चला गया सुबह सुबह। गगन को इसने भाई बहुत थका दिया, कल बहुत सारे चक्कर लगवाए, कूड़ा निकाला घर से बहुत सारा, बाहर भी फेंकवाया, रेड़ा वेड़ा भी मंगवा लिया था घर से, घेर से उसमें जो है भरवा के इसने। और आप पूजा सही कर रहे हैं अनुकूल चाची जी, आपकी बात तो कहते ही एकदम चल रहा है। अनुकूल मैं तो कहूँ जाऊँ कोई सा नहीं था, कोई सा भी। तो इन्हें जो है भाई थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद में यहाँ पे इनके हाथ हैंड ओवर कर दिया जाएगा यहाँ पे सब काम, और थोड़ा सा पहले हो जाएगी शादी से, तो बहुत रिलैक्स मिल जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे काम निपटाया जा रहा है। और भाई पेंटिंग का काम जो है इससे पहले भी करवा देते, लेकिन बहुत सारी ठंड और धुंध कोहरा पड़ती थी भाई, उसमें हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा लेट ये भी है अपने समय से, नहीं तो पहले से ही सोच रहे थे इसे करवाने की। रोक्सी कहाँ है? रोक्सी देख कान खड़े हो गए। रोक्सी रोक्सी है? रात में खाट के नीचे निकलनी बारी हो रही थी, रात कमरे में घुस गई भाई और निकलनी बारी हो रही थी, और खराटे ले हुए जोर जोर। चल आराम कर ले, अब जा सो जा, सुबह के समय सो रही थी अब, है रात भर जग गए एकदम चौकन्ना। अलकस तार ले अलकस। अभी बनाऊंगी सबसे पहले मैं चाय, और चाय पियेंगे फिर सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि प्रीति को जाना है एक शादी में दोपहर में, और फिर मैं घेर में चली जाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो आने में टाइम लगेगा, उससे पहले मैं इनका सबका खाना बना कर चली जाऊंगी, फिर ये अपने आप ले लेकर खा लेंगे। और बिस्तरे वगैरह मैंने तय कर दी, इन्हें पीछे को सरका दूंगी, बेड शीट वगैरह सही कर दूंगी, थोड़ा सा यहाँ को साफ़ सफाई भी कर दी, और ये अपना खाना बनाने का चूल्हा भी साफ़ कर लिया। तो चाय बनने लग रही है हमारी। अदरक ढूंढ रही थी मैं, पता नहीं रात अदरक लाया था हमें, अदरक नहीं मिला मुझे। पूजा हर की ये कुंडी जो है मुझे काफ़ी पुरानी लग रही है लकड़ी की, अदरक बहुत बढ़िया कुट रहा है इसमें, स्टील वाली भी घटा दी ना तो, और ग्रेटर भी घटा दिया, चटनी भी बढ़िया बन जाएगी इसमें, थोड़ी पीस पीस कर चढ़ेगी, चाय में खत्ता लग गया देते हैं, और इसे साइड में रख देते हैं। सुबह की चाय, चाय में है हम लोगों की, ये देख क्या स्टैंड बना इन्हें खाट में, देखा आपने कितना किफायती लड़का कर दिया, गिर तो सकता ही नहीं। मुरमुरे भेलपुरी वाले मुरमुरे, और जो गांव में रहते हैं ना उन्होंने कई बार ऐसे रखे होंगे खाट के दीवान में गिलास, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि खाना खाते समय या चाय वगैरह पीते समय किस किसने गिलास स्टैंड में लगाए खाट के दीवान में। और भाई मैं तो ये लेंगी मुरमुरे, और ये उनका फेवरेट, इसे भी खोल लो भाई पार ले जी, और वो अभी खा रही है अपना नाश्ता। तो सुबह के बज गए हैं 9, और अब चलता हूँ भाई घर में। देखो मैंने अपना ये उठा लिया, अपने जो इसमें काम करने के साधन है वे लेकर आया था मैं, और ये बनाएंगे बच्चों के लिए खाना, और मैं चलता हूँ घर, घर का देखता हूँ भाई। रोक्सी बाय बाय, मिलूंगा फिर, है किस है रोक्सी को नहीं नहीं रोक्सी यहाँ से एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, इसे ही रहने दे। कल जब मैंने देखा ना इन्ने जना 30 चक्कर काटे, अगर कोई गेट पे भी आ जाना नीचे मेन गेट पे एंट्री वैसे भी खड़ा हो जाता तुरंत वहीं पावर की तीर की तरह। तो चलो भाई रोक्सी अब बाय बाय। अभी भाई काम जो है वो पेंट पेंट कलर कलर का हुआ पड़ा है, और रोक्सी पीछे से आ रही थी, सीमेंट की हो रही है यहाँ पे वेट, इतना सा बचा है इस कमरे में लग गया, दो दिन लग जाएंगे नहीं इसमें, इसमें हाँ हो सका तो आज ही खत्म करना आज ही। चलो भाई फिर जो है कार्य प्रगति पे वहाँ का भी निपटाना है। अभी खाने में मैंने बनाया आलू गाजर, आटा लगा के रख दिया, और सब्जी भी बनके तैयार होगी। मैंने सोचा जब तक अमित का जाने का समय होगा तो तब तक मैं थोड़े से कपड़े धुल दूंगी, कुछ पहनने के कपड़े पड़े थे और कुछ चद्दर वगैरह मशीन में से निकली तो ये धुल जाएंगी,
और धुंधला धुंधला सा है आज भी। सूर्य देवता का रंग देखो। रोक्सी उधर बंदरों का इंतजार करती रहती है, लेकिन रोक्सी का फायदा बहुत है, नहीं तो इतने खुले में ना बंदरों के आने जाने में ना काम नहीं हो सकता। मुझे तो वैसे बहुत डर लगा है, मैं वैसे ही डेढ़ दिखा दूँ बंदरों को। तो एक बार के कपड़े धुल के अपने इसमें से निकालूंगी, सूख जाएंगे, कोई सा आवेगा तो ऊपर डलवा दूंगी तार पे। देखो भाई बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना मेरे बस की बात भी नहीं, इसमें थक जाऊंगी मैं तो। तो अभी इन कपड़ों की धुलाई करने के बाद में ये चादरें वगैरह डाल दूंगी इसमें। सरफ की थैली मंगाई, अभी सरफ खत्म हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कपड़े इतने सारे और सारे कपड़े बढ़िया और कपड़े किसी के पास नहीं है। देखो वही हालत है, जैसे मैं और प्रीति वहाँ पे उलझे रहे हैं ना, वही काम हो रहा। बिस्तरों में तो मैं इनके ये सारे के सारे धुल कर कवर वगैरह डलवा दूंगी, कंबल भी इनके बढ़िया हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत सारे बिस्तरे चाहेंगे, डबल डबल कंबल लगा के सोएं, कवर डाल के इनमें चारों तरफ सील देंगे, तो फिर ये निकलने के नहीं इसमें से, कंबल में से। तो चलो जी, तब तक पूजा भी आ जाएगी तो फिर दोनों करेंगे। आज मुझे जाना भी घेर में, मतलब अपने घर भी जाना, क्योंकि प्रीति बन ने बताया था शादी में जाओगी, तो उस टाइम में चली जाऊंगी, फिर शाम के टाइम आ जाऊंगी। देखो इतने सारे कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, ये पहनने के हैं इनके, और ये हैं बिस्तरे वगैरह जो चादर वगैरह हैं, ये भी जाएंगे ऊपर, और ऊपर डाल के आएगा अमित। अभी बहुत सारे कपड़े पड़े थे भाई, और अभी मैंने मशीन में डाला एक गद्दा, गद्दा काफ़ी गंदा था तो ये डाल दिया इसमें। देखो कितना गंदा पानी हो गया, बिल्कुल साफ पानी में डाला था। इसमें कंबल धुल गया, वो निकालूंगी हाथों में ना कल से। ये रैक वगैरह साफ करी तो ये जड़े फटगी मेरी, जख्म से हो रही। एक बार फिर से लाइट ने दिया धोखा, लाइट चली गई। और ये इन्वर्टर का प्लग है, मुझे नहीं पता था, एकदम से इन्वर्टर बोल पड़ा, क्योंकि इसका प्रेशर थोड़ा ही ना उठा होगा। तो गद्दा मैंने इसमें डाल दिया था सुखाने के में, और पानी चला दूँ बस थोड़ी देर में, जब लाइट आएगी तो लगभग मेरे आज के जो कपड़ों का काम है वो निपट चुका है। ये कम्बल भी धुल गया। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं 12, और देखो घर आज बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। बच्चे सारे गए स्कूल, माँ गई है भात ने उतवाने के लिए, और बबली गई है अमित के घर। अरविंद प्रीति हैं अभी यहाँ पे, वो भी एक शादी में जाने वाले हैं, नज़दीक की शादी है वो अटेंड करनी है उन्हें। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं यहाँ पे। देखो एकदम सुनसान लग रहा नहीं, आदमियों से लगता है घर, नहीं तो देखो ऐसा ही लगता है। आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि पता नहीं भाई कहाँ चले गए सारे। और अभी मैं चलता हूँ घेर में। आज हमारे सामने वाली जो गली है ना, ये सड़क, इसका बनने का नंबर आ गया है। कई सारे लोगों को पता है कि जब थोड़ी बहुत बाहर की वीडियो शूट करते हैं ना, बहुत गंदी नाली हो रखी है, पानी रुकता है, भरता है पूरा, तो गली का आ गया है बनने का नंबर, और अब बिल्कुल फिट हो जाएगी ये, और ये वहीं तक बनेगी हमारे घेर तक। ये हो गया शुरू कार्य यहाँ पे, और सबसे पहले इधर की होगी दीवार, मिट्टी और वो रोकने के लिए गली, और इधर तो है ही हैं, तो खुदाई आज शुरू होगी। शुभ मुहूर्त आज कर दिया, और ठेकेदार साहब हैं भाई हमारे, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, कल नाप तोल भी कर रहे थे, लेवल इन्होंने कर दिया सड़क का। तो भाई अभी दिखाता हूँ अपने ठेकेदार साहब, और सबसे पहले तो उनकी गाड़ी देख लो भाई। ये कह रहे थे भाई हमारी गाड़ी ज़रूर दिखाना, तो ये है भाई, देखो रेड़ा, ये रेड़ा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, मिट्टी ढुलाई, ईंट ढुलाई, और इसके टायर ज़रूर दिखाऊंगा भाई, इसमें ट्यूबलेस टायर है, मैंने आज तक रेड़े के ट्यूबलेस टायर नहीं देखे। तो भाई ठेकेदार हैं रिजवान यहाँ पे, और गाँव है इनका जोगिया खेड़ा, पड़ोसी गाँव के हैं हमारे थोड़ी दूर के। तो भाई इनकी पूरी टीम लग गई, सब्सक्राइबर हैं हमारे ये कई सालों से। ईंट लगी थी हमारी कोने में पीछे, तो उन्हें कई बार हमने अंदर बाहर लगा दी है, क्योंकि भाई काम चल रहा है, तो जहाँ भी काम शुरू हो जाए वहाँ से हटानी पड़े। आज फिर हटानी पड़ेगी, देखो वहाँ थोड़ी सी बची हैं, जल्दी से वो भी काम हो जाएगा। गुलबहार जी तो अभी आ नहीं रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हैं भाई रिजवान, और ये सब जोगिया खेड़ा गाँव से ही हैं। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ अपना घर समझियो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत जो भी होगी वो बता दियो। तो देखो भाई ये है वो ट्यूबलेस टायर, ये इस तरह हैं जैसे पहिए पे हाल चढ़ गई हो, तो यही काम करते हैं ट्यूबलेस टायर भाई, ऐसे निर्माण में। और इधर वाला भी है, ये दूसरे टाइप का, अच्छा वो वाला मिला नहीं है, अच्छा ये जो लाल से आया है ये मिला नहीं दूसरा, तो एक ये है भाई, हाँ हवा तो काफ़ी मजबूत है, और दूसरा ये उसके साथ का नहीं मिला भाई, एक जैसे टायर रखो गाड़ी में। अच्छा अगले की तो तुमने हालत ख़राब कर रखी भाई। ये देखो, तो इसमें भी ट्यूबलेस की ज़रूरत है,
और इसमें जल्दी जल्दी से ट्यूबलेस टायर डलवाओ भाई, ये तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये अपने औजार हैं काम करने के, एकदम वो कहते नहीं बड़े आदमियों की कहावत भाई, गाड़ी घोड़े जो हैं अपने बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। तो भाई ये चल रही है इंटों की ढुलाई, क्योंकि ये जो सड़क है उधर तक हो जाएगी, यहाँ से कुछ चौड़ाई इसकी हो जाएगी और ये तो हटानी पड़ेगी। तो भाई ये जल्दी काम हो जाएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू भाई ग्राम पंचायत का, जो इस सड़क का नंबर लगवाया उन्होंने, और इसका निर्माण हो जाएगा हमारे काम से पहले ही, क्योंकि शादी का फंक्शन जो है ना अच्छे से हो जाएगा, आने जाने का रास्ता हमारा। पिछले 4 दिनों में ही मौसम इतना चेंज हो गया कि भाई स्वेटर जर्सी की ज़रूरत रही नहीं है और ना टोपे की, बिल्कुल ठंडी हवाएं जो हैं वो बंद हो गई एकदम से, और खेती हमारी थोड़ी सी गर्माहट है ना मौसम में तो जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। धनिया देखो भाई, सबसे ज़्यादा रंगत जो आई है वो भाई हरे धनिए पर आई है, तो ये बहुत जल्दी से एकदम फूट करके दोबारा से तैयार हो गया, और पालक की कटिंग का टाइम भी आ रहा भाई। पालक देखो भाई कितना अच्छा हुआ, सर्दी सर्दी हो ये बहुत कम स्पीड से बढ़ा, और जैसे ही मौसम में गर्माहट आई ना, देखो कैसे जो एकदम से ग्रो करी इसने। तो भाई खेत खलियानों का नज़ारा तो बहुत अच्छा सा दिखे है यहाँ से, और यहाँ से दिखा दूँ ये सड़क निर्माण का काम, ये देखो रास्ता एकदम चकाचक हो जाएगा। गर्मी के सीजन में बिल्कुल एकदम मज़ा आएगा, यहाँ आर पार की हवा लगा करेगी दूर तक की, नीचे गैलरी में भी, और शाम के समय का मौसम भी बहुत बढ़िया होगा। अभी हमारे मिस्त्री जी हैं वो जो 3-4 दिन से छुट्टी पे हैं, वो अमित के घर पे लगे हैं, वहाँ पे टाइल्स वगैरह का काम हो रहा है अभी, और बस यहाँ के जो ये वॉशरूम बाथरूम है ये रेडी होने रह रहे हैं, और बाकी मिट्टी का लेवल, और एक मेन गेट लग जाएगा यहाँ पे, लोहे का जीना भी चढ़वाना पड़ेगा, अभी टेम्परेरी तौर पे सीढ़ी लगा रखी भाई, और सीढ़ी पे रिस्क है बहुत, और ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा इजी टाइप का, और यहाँ पे जो है एक लोहे का जीना चढ़वाएंगे, सेफली ऊपर चले जाया करेंगे, और ऊपर से नज़ारा और बहुत बढ़िया लगेगा चारों तरफ के खेत खलियानों का। 1 बज गया और मैं पहुँच गई अपने वाले घर में, जिन गलियों में मैं कई कई दिनों में कितने कितने दिनों बाद जाती थी, अब उनमें मुझे डेली गुजरना पड़ेगा। ये देखो क्या करें, काम तो है करना पड़ेगा, और सांप खा रहे थे यहाँ बैठ के खाना, मगर खा भी लिया क्योंकि प्रीति चली गई थी, उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास में, और अब जो है खाना बनाऊंगी मैं। ये कह रही कि पराठे खा लिए थे सब ना सुबह, यह कह रही थी मुझे भी दिखा के लाओ कहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ सड़क का, मगर देख निर्माण कार्य शुरू होगा वहाँ, मैं दिखा के ले आया गेट के सामने से, और उसको कुछ लगाए मैं कह रही ना, मगर मैं एक दिन भी ना देखू ना, एक तो इन लगा जो ना कितने बड़े बड़े हो गए, और ऐसा लग रहा जैसे मैं कितने दिनों में, एक रात में कितने दिनों में आई आजी। इस तरह का बंच हो इतना बड़ा हो तो कट जाना चाहिए, इससे बड़ा जो है पक जगह, नहीं तो इसमें डंडी बन जाएंगी है, और तिरंगा हमारा उसी दिन का लहरा रहा है भाई, है तिरंगा प्यारा रिपब्लिक डे वाला दिन। अब कार्य थोड़ा सा प्रगति में तेजी लानी पड़ेगी, हाँ, तेजी लानी पड़ेगी, समय कम है और जी तैयारी बहुत ज्यादा करनी इस वजह से, और बच्चों के कपड़े नहीं आ रहे, गुड्डू ने कह दी पेपर के बीच में ही ना कपड़े लेने चले जाइयो, जिस दिन का पेपर होगा हमें लेकर जाइयो, मैं कहा उसके तो आ गया, उस तो जानेगा नहीं, नंदनी जाने की, और उसी 3 जनों के छोटों के तो ले आवेंगे नुई, बिना ले जाओ और उन्हें बड़ों बड़ों को ले जाएंगे। तो भाई शादी का जो है सारा फंक्शन यहीं पे होगा, इस जो भी होना है टेंट वगैरह, जो मतलब नाचने कूदने के जो भी प्रोग्राम हुआ करें हैं, किसी किसी को तो बहुत ऐतराज है कि बबली अपने नए घर में जो है कंटेंट बनाने के लिए ये सारा फंक्शन वगैरह सब तैयारियां वहीं करवाओगी, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट मेरा अपना है पहले से ही, जब से मैंने स्टार्टिंग करी यूट्यूब की चैनल की अपने। तो कंटेंट की बात कर रहे थे कि भाई अमित का कंटेंट देखो भाई, अमित के साथ रहेंगे तो अमित का कंटेंट भी जो है हमने शुरू करवाया था और अभी भी उसके साथ ही हैं, और उसका फायदा ही होगा, उसका उसे फायदा ही होगा, नुकसान तो उसे होने का नहीं, हाँ। कि अमित का कंटेंट हम चुरा रहे हैं, और भाई रही बात इसकी कि भाई इससे चिड़े उससे चिड़े, गांव में सैकड़ों चैनल हैं हमारे, बताओ तो हम किससे चिड़ेंगे, हमें चिड़ने क्या जरूरत है, हमें तो खुशी है सब मेहनत करो जैसे हम लगे हुए, तुम भी लगे रहो भाई, बस हमें इस चीज से कोई ऐतराज ही नहीं है। वैसे तो प्रीति सारा काम निपटा कर गई, कपड़े झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग सब जो है काम निपटा हुआ है, अब तो बस मुझे थोड़ा सा आराम करना जब तक बच्चे आवेंगे।